बिहार के इस लोकसभा सीट से 16 में से 11 बार ब्राह्मण प्रत्याशी की हुई जीत। जानिए बक्सर लोकसभा सीट का राजनीतिक समीकरण। बिहार का बक्सर जिला पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीमा के किनारे बसा है। बक्सर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा का क्षेत्र आता है और उसमें कैमूर के रामगढ़ और रोहतास जिले का दिनारा विधानसभा सीट शामिल है। बक्सर का लोकसभा क्षेत्र स्वर्ण लोकसभा क्षेत्र में आता है। इसमें सबसे अधिक ब्राह्मण राजपूत भूमिहार मतदाता है। बक्सर बिहार का एक ऐतिहासिक शहर है। ये प्रसिद्ध बक्सर की लड़ाई और चौसा की लड़ाई के लिए जाना जाता है। बक्सर जिला पटना से 120 किलोमीटर दूर बसा हुआ है और ऐतिहासिक पर्यटन के लिए इसका स्थान काफी खास है। शहर के पश्चिम में उत्तरायण गंगा बसी है और इसे विश्वामित्र मुनि की तपोभूमि के रूप में जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में विश्वामित्र मुनि ने राम और लक्ष्मण को बक्सर लेकर आए थे और साथ ही इसी स्थान पर उन्हें धनुष विद्या का ज्ञान भी दिया था। बक्सर जिले में 2 अनुमंडल बक्सर और डुमराव है। ये 1,23,080 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। उत्तर में ये जिला उत्तर प्रदेश के बलिया और गाजीपुर जिले से सटा है। वहीं इन दोनों राज्यों के बीच गंगा नदी है, जबकि पूर्व में ये जिला भोजपुर से सटा हुआ है। साल 2024 में बक्सर का विकास कार्य जारी। साल 2024 में बक्सर का विकास कार्य जारी है। यहाँ केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बक्सर से चौसा 4-लेन सड़क निर्माण कार्य को मंजूरी दी है और इस सड़क से बक्सर पटना 4-लेन और चौसर मोहनिया 4-लेन की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इस सड़क को साल 2030 में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। बक्सर में सड़क निर्माण के बाद पटना औरा और गंगा पुल के रास्ते उत्तर प्रदेश से आने वाले वाहनों को बिना बक्सर शहर में प्रवेश किए ही चौसा राजपुर कोचस मोहनिया सासाराम और वाराणसी तक पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। पटना से लखनऊ के लिए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई है और ये ट्रेन बक्सर होकर गुजरती है। इससे यहां के लाखों लोगों को भी फायदा पहुंचा है। आपको बता दें कि वंदे भारत ट्रेन के बक्सर पहुंचते ही यहां के लोगों में उत्साह देखा गया। यहां के लोगों के लिए अयोध्या जाना काफी आसान हो चुका है। अब तक किसका रहा इस क्षेत्र पर दबदबा? बक्सर की लोकसभा सीट पर सभी पार्टियों का दावा रहा है। यहां 16 में से 11 बार ब्राह्मण प्रत्याशी की जीत हुई है। राज्य की 40 सीटों में शामिल बक्सर की लोकसभा सीट की खूब चर्चा हो रही है। फिलहाल भाजपा के अश्विनी चौबे यहां से सांसद हैं। वो केंद्र में मंत्री भी हैं। बक्सर में साल 1952 में लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था और इस दौरान ये जिला नहीं हुआ करता था बल्कि शाहबाद लोकसभा क्षेत्र का एक हिस्सा था। पिछले कई चुनावों में भाजपा इस सीट पर जीत दर्ज कर रही है। साल 1957 में बक्सर लोकसभा का क्षेत्र बना था और उसके बाद कांग्रेस का यहां से दबदबा देखने को मिला था। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है। साल 1996 और 2004 में भाजपा के लालमुनि चौबे ने यहां लगातार जीत दर्ज की। हालांकि साल 2009 के चुनाव में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस सीट से जीत हासिल की थी। जगदानंद सिंह के इस सीट से जीत हासिल करने के बाद साल 2014 और 2019 में भाजपा के अश्विनी चौबे ने इस सीट से जीत दर्ज की है। उन्होंने राजद के प्रत्याशी जगदानंद सिंह को हराया था। साल 2024 के चुनाव पर टिकी सभी की नजर। स्वर्ण मतदाता इस सीट से अधिक है। ब्राह्मण राजपूत भूमिहार मतदाताओं के बाद यादव कोयडी और दलित मतदाताओं का नाम आता है। बक्सर की लोकसभा सीट में सबसे कम मुस्लिम मतदाता है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अलग अलग पार्टियों के नेता बक्सर की लोकसभा सीट से जीत का दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि अश्विनी चौबे के टिकट के कटने की चर्चा इस बार तेज होती हुई देखी गई और उसके बाद उन्होंने इस बात से इनकार किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आगे भी वो बक्सर की सीट से जनता की सेवा करते रहेंगे। इनके अलावा राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे डॉक्टर पुनीत सिंह या रामगढ़ के विधायक सुधाकर सिंह की भी इस सीट से दावेदारी हो सकती है। हालांकि कौन सी पार्टी इस सीट से जीत दर्ज करती है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा।
अभी के लिए इतना ही। अब जाते जाते हम आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, आपके अनुसार क्या भाजपा के नेता अश्विनी चौबे की बक्सर की सीट से जीत बरकरार रहेगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।